नमस्कार शिखा जी, नमस्ते सर। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। शिखा जी, हम लोग एक नया कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं जो कि ऑल दशा कोर्स है, जिसमें हम लोग चार दशा लेने वाले हैं। नारायण दशा, योगिनी दशा, शूल दशा, ऑलमोस्ट हम लोग 9 या 10 दशाएं जो हैं अलग अलग, वो हम लोग लोगों को यहाँ पर सिखाने वाले हैं। एक वीडियो हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस बारे में कि हम लोग क्या क्या उस कोर्स पे हम लोग लेने वाले हैं। देखिए, आज का जो मेरा विषय रहेगा, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं यहाँ पर कि दशा कोई सी भी ले, रिजल्ट जो है सब दशाओं का एक ही आएगा। कुछ दशाएं ऐसी हैं जो कि पर्पस अलग है, वो हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। आज हम लोग लेंगे योगिनी दशा के ऊपर और टाइमिंग ऑफ इवेंट। देखिए, हर दशा के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं। आप अगर परफेक्टली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स आपको पता है, तो आप एक ही इवेंट तक आप लोग पहुंचेंगे। मतलब वो दशा जो है पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर आपको एक ही चीज दर्शाने वाली है। शुभ है तो वो शुभ दर्शाएगी, अशुभ है जीवन के अंदर तो वो अशुभ दर्शाएगी, किसी का विवाह हो रहा है तो वो दशा जो है आपको विवाह दर्शाएगी, किसी की संतान है तो वो संतान दर्शाएगी। आज हम लोग यहाँ पर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में योगिनी दशा को लेकर के मैरिज का जो पार्ट है वो यहाँ पर हम लोग लेने वाले। जी सर, यस आप कहें तो हम लोग स्टार्ट कर दें। चल, सर, प्लीज। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को आप। हम लोग क्या करेंगे, एक सेलिब्रिटी चार्ट लेने वाले हैं और एक कॉमन चार्ट लेने वाले हैं ताकि सभी यस को चीज जो है वो समझ में आए आसानी से। ओके, तो ये जो चार्ट हम लोग ले रहे हैं, ये चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। हमें यहां पर देखना है कि विवाह किस प्रकार हम लोगों को देखना है। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि योगिनी दशा को देखने के लिए 2-3 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। अच्छा यहाँ पर जो बेस्ट वे है, जिसके ऊपर मैंने कार्य किया है, और सच कहूं तो प्रोग्रेस लगना करके जो हम लोग वे है वो एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट वे है। बुक भी है उसके ऊपर, अगर आप लोग चाहें तो बुक भी आप पढ़िए, डेफिनेटली बुक भी पढ़िए योगिनी दशा के ऊपर। यहाँ पर हम लोग लेंगे कि प्रोग्रेस लगना क्या आता है और प्रोग्रेस लगना के बाद में आप किस प्रकार से मैरिज का पार्ट निकालते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है और इनकी मैरिज का जो डेट है वो है 3 जून 1973, 3 जून 1973। अच्छा सबसे पहली चीज ये होती है, हम लोग कोर्स में क्या सिखाएंगे, हम लोग एक तो आसान सा वे मैं बता दूंगा आप लोगों को कि प्रोग्रेस लगना किस तरीके से हम लोगों को निकालना है। विद इन अ मिनट आप लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रोग्रेस लगना के ऊपर पहुंच रहा हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो है प्लैनेट्स जो लॉर्डशिप है उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आसान रहेगा क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, हम लोग अगर मैं कहूँ कि साहब उल्का की दशा है या भ्रामरी, तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट्स हम लोगों का दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली प्लैनेट जो लॉर्डशिप है उसका अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख। तो आप देखिए, यहाँ पर इनका जो मैरिज है 1973 जून के अंदर हुआ है। तो आप देख रहे हैं इनकी दशा जो है वो संकटा की दशा है, दैट इज राहु। अच्छा, इस समय पर जो इनका प्रोग्रेस लगना जो बनेगा, वो प्रोग्रेस लगना बनकर के आएगा इनका धनु लगना, धनु राशि। ओके, अब जो धनु है, हम लोगों को करना क्या है कि जो भी प्रोग्रेस लगना बनकर के आ जाए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, हम लोगों को उसको लगन बनाना अच्छा है। हमने इसको लगन बना लिया। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर मेन चीज ये है, अगर आपको विवाह देखना है या जीवन के कोई से भी पार्ट आप लोगों को देखने हैं, स्पेसिफिकली यहां पर मुझे विवाह देखना है कि यहां पर विवाह होगा या नहीं होगा, तो सीधा सा सूत्र यहां पर ये है कि आपके लग्न कुंडली का सप्तमेश और आपका प्रोग्रेस लग्न का सप्तमेश या कोई भी एक चीज जो है आपके सेम समान रूप से सप्तम स्थान को प्रभावित करे, आपके दशा लगन को, तो वो आपका इवेंट यहां पर हो जाए। ओके, लाइक यहां पर अगर हम लोग कहें तो लगन जो है इनका कुंभ लगन है और कुंभ लगन के सप्तम भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है। बी हाँ
प्रोग्रेस लगन जो बन करके आता है यहाँ पर, प्रोग्रेस लगन बन करके आता है धनु, और उसका सप्तम स्थान का स्वामी कौन है? मरकरी। मर्क्यूरी। तो हम लोग जो देख रहे हैं संकटा की दशा इनकी चल रही है। टाइमिंग अपन ने बताया 3 जून 1973, तो आप यहां देखिए कि 3 जून 1973 में कौन सी दशा चल रही है इनकी? मर्क्यूरी मरकरी। अब आप बताइए कि मरकरी यहां पर 7th लॉर्ड बना हुआ है, कितना करेक्ट। ब्यूटीफुली बता दिया इसमें, हाँ बहुत आसान दशा है और बहुत अच्छा सूत्र है। खाली एक चीज ये है कि प्रोग्रेस लगना कैसे बनेगा। अच्छा, प्रोग्रेस लगना का मूवमेंट भी होता है, तो वहां पर थोड़ा सा लोगों को एक डिफरेंट लगेगा यहाँ पर, तो हाँ वो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाले हैं। आप लोगों को कितना आसानी से आपने बता दिया, मतलब ये है कि हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर ना। जो प्रोग्रेस लगना आपने बनाया और जो भी आपकी अंतरदशाएं हैं उसके अनुसार आप लोगों को पढ़ लेना है यहाँ पर। सर ने अभी ये हम लोग को योगिनी दशा एक बैच में सिखाया था, तो इन डेप्थ हम लोग ने किया था। ऐसा नहीं कि भाई बता दिया कि ये योगिनी है, ये प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं। हर एक स्टेप सर ने एकदम बच्चों को बता दिया कि कैसे करना है और कैसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, और टेक्निक सिखाया प्रोग्रेस लगना कैसे निकालते हैं। और फिर उसमें हम लोग ने बहुत सारे चार्ट्स लेके वर्क भी करवाया था सर ने। आप अपने पर्सनल चार्ट्स भी दे सकते हो उसी टाइम पे, ऑन द स्पॉट यू कैन गिव पर्सनल चार्ट्स टू सर फॉर एनी ऑफ द सेशंस दैट यू आर वांट टू। तो सिर्फ योगिनी दशा एक बार सिखा देने से और प्रैक्टिस नहीं करो तो नहीं होता है। हर पहलू पे हम लोग ने योगिनी दशा और ईच दशा पे काम करना है। ये जो सेशंस हो गए हमारे, वो हर एक दशा हम लोग बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे पहलू, नॉट ओनली मैरिज, जॉब, चिल्ड्रन, कोई हेल्थ इश्यूज या बैड पीरियड, सब कुछ हर एक दशा से हम लोग करने वाले, देखिए, राइट एक सर? एक एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को। देखिए, दशा कोई चीज हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए योगिनी दशा कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि एक चार्ट के ऊपर लागू होगा या दूसरे पे नहीं होगा। ये समान रूप से जितने चार्ट आपके सामने आएंगे, मेन चीज है हम लोगों को स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमारा स्टेप क्या होगा, और हम लोगों को रूल्स हम लोगों को पता होने चाहिए। प्रोग्रेस लगना कैसा बनेगा वो हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से लोग घबरा जाते हैं ना कि संकटा की दशा आ गई, उल्का की दशा आ गई, भ्रांति की अच्छा दशा है, तो यहाँ घबराने वाली जरूरत है नहीं। सिंपल चीज है, यहाँ पर महत्व संकटा दशा में मैरिज हुआ, बेस्ट ऑब्वियसली इनका लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड रहा है ना वो, पीरियड था वो। करेक्ट करेक्ट। अच्छा एक चार्ट और ले लें अगर आप कहें तो, एकदम यस पर। सर, यस सर, प्लीज। इनका जो मैरिज का टाइमिंग है, ये 20th नवंबर 1999, अच्छा 20th नवंबर 1999 में है, तो इसका मतलब यहां पर जो दशा चल रही है इनकी, यहां पर दशा है आपका शुक्र का, वीनस, है करेक्ट। ना, वीनस का दशा है, राइट। यहां पर जो हमारा प्रोग्रेस लगना बनेगा, देखिए मैंने बताया नहीं कि प्रोग्रेस लगना कैसे निकालना है, तो फिर वो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, वो लेकिन सब अभी जो मैं कोर्स बता में, या वो कोर्स में हम लोग कोर्स जाएंगे, कैसे निकालना है, कैलकुलेशन पार्ट क्या है, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला जी हूँ। सर, यहाँ पर जो है प्रोग्रेस लगन जो बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर कन्या लगन। हमने कन्या लगन को जो है प्रोग्रेस लगन हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, वीनस में आपका शनि की आ रही है अंतरदशा। जी सर, अच्छा, आप शनि का संबंध कैसे बनाए यहाँ से, आप देखिएगा 7th लॉर्ड जो है जुपिटर जुपिटर को है, एस्पेक्ट एक्सपेक्ट। हाँ कर रहा है सैटर्न को, और सैटर्न हाँ एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, तो करेक्ट इंडिकेशन दे रहा है स्ट्रॉन्गली। कितना करेक्ट। आसान सा है तरीका, जो भी आपकी अंतरदशाएं, हम लोगों को अंतरदशाएं देखनी है यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर देखिए एक चीज ये है कि हम लोगों को जो भी पार्ट देखना है लाइफ का ना, पहली चीज ये रहेगी कि जो भी हमारा प्रोग्रेस लगना आया है, तो उस प्रोग्रेस लगन के अनुसार आप योगों को आप समझिए कि प्रोग्रेस लगन का लगना लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है, केंद्र के अंदर है, तो वो आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेगा। 10th हाउस बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, तो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, जो एक हम लोगों का बेसिक एस्ट्रोलॉजी, उस हाँ तरीके से हम लोगों को देखना होगा। उसके बाद में अगर हमारे जो प्रश्न है कि हमारा मान लीजिए कोई पूछता है प्रोफेशन की क्या स्थिति रहेगी, तो सेम वे के अंदर हमने जैसा मैरिज का देखा है वैसा प्रोफेशनल लाइफ का देखना, कि वो कौन सा टाइमिंग है जहां पर आपका प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा रहेगा, आप नया काम प्रारंभ कर सकते हैं।
करेक्ट। तो यहाँ पे वीनस का क्या, वीनस का दशा चल रहा था। हाँ जी, दशा वीनस का है ना, पिता हाँ, की दशा है। तो वीनस को कैसे जोड़ा आपने, दशा लॉर्ड को। अच्छा देखिए, दशा लॉर्ड जो है, हम लोगों ने नक्षत्र के अनुसार हम लोगों ने प्रोग्रेस लगन बनाया है ना। ओके। प्रोग्रेस लगन बनाने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो अंतर दशाएं हैं उनको हम लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पर आई थिंक जो उनका, हाँ मतलब अगर जो नेटल चार्ट है तो वीनस इज अ सेवेंथ लॉर्ड। एक्चुअली नेटल चार्ट में वीनस इज अ सेवंथ लॉर्ड आ गया ना, लगन कुंडली का पर सेवंथ लॉर्ड बन गया, दैट इज वीनस। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये लर्न करना है कि प्रोग्रेस लगना बनाना कैसा है, उसको भी याद करने का जरूरत नहीं है। देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक सर एज फॉलोज। सर बहुत ही बढ़िया। और अगर देखा जाए तो जितने भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको एटलीस्ट थ्री दशाएं आनी चाहिए, टू टाइमिंग ऑफ इवेंट, कि वो तीनों दशाएं में अगर सेम मिले तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये घटना घट सकती है, राइट सर। जी, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी डियर व्यूअर्स, डू ज्वाइन दिस अमेजिंग कोर्स, पूरा टोटल ऑन दशाज, द डिफरेंट दशाज, एंड सर हैज हिज ओन मेथड्स ऑफ डूइंग इट, ही हैज क्रैक देम वेरी वेल। एंड दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वर्क। थैंक यू सो मच।